मार्ग खुला, हल्के वाहनों के लिए रास्ता खोला गया है। वाहनों की लंबी कतार नजर आई, लोगों को घंटों जाम का सामना भी करना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मसूरी से रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया था। आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन भी खड़ी हुई है। रास्ते को हल्के वाहन के लिए फिलहाल खोल दिया गया है। तो घंटों की मशक्कत के बाद रास्ता खुला है, लोगों की आवाजाही शुरू हो पाई है, लेकिन हल्के वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो पाई है। 22 करोड़ का ये टेंडर था और जहां तक आप देखे जाए तो 6 महीने के अंदर एक्शन साहब ने ये बोला था कि ये कार्य पूरा किया जाएगा, पर आज देखा जाए तो 0% भी यहाँ काम नहीं हो रखा है। जान माल का खतरा बना पड़ा है, पहाड़ ऊपर से गिर रहे हैं, दरकार कर रहे हैं और विभाग की लापरवाही, जो यहाँ से पानी आ रहा था तो रोड में देखिए, रोड में भी गिर रहा है। आप देख रहे होंगे रोड का हाल, रोड पूरी धस चुकी है और यहाँ पर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सड़क का जो चौड़ाई है वो भी काफी संकरा हो गया है मार्ग, इसी वजह से हमने जो भारी व्हीकल्स हैं, भारी वाहन हैं, उनका जो यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट है उसको बंद कर दिया है फिलहाल अग्रिम आदेशों तक। और लगातार कार्य हो रहा है, मौसम जैसा भी रहे कार्य लगातार चल रहा है। दोबारा से उम्मीद ये है कि जो नीचे वाला गेबिन वो है, वो देख सकते हैं नीचे की तरफ भी, वो वहाँ पर शायद स्टेबलाइज हुआ है। अल्मोड़ा में तेज बहाव में